आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। हमारा गांव में विराह करता है घर जमाई अच्छे किले बाटता है और घड़ी उम्र का होके ना गुजर गया वो और वो उसके बेटे पोते रेफड़ के क्यों फेरी का ठहरा था ने और वो बच्चा बुच्चा ले आकर कराए काम न करे वो काम को आंड के ताऊ बैठे न बुझ जाए भाई के ज्ञान था बीमार था के था भाई हाल चाल बुझ जाए कोई कि मैं बता दे कोई कि मैं बता दे वो एक घूट मार रहा था उनके पड़ोस में वो बैठे है गुआ डका गया नू बोले भाई बटे की डाल गया भले है बोले बटे को कर गया नू बोले भाई बटे बच्चा था सर बच्चा था गया वो एक बार सरकार ने स्कीम काट दी बोले भाई नाम देंगे बोले भाई जो बहुत नहीं डरता उसने नाम देंगे दो लाइन बनवा ली बोले एक में जो डरते हो इसमें खड़े हो जाओ और ना डरते हो इसमें खड़े हो जाओ जो बहुत डरिया करते न वो लाइन जा ली उन्होंने पिलानी तभी गेल ने और दूसरी में एक ना एक जना खड़िया नू ले लिया भाई ट्रॉफी लिया इनाम लिया और इसने सम्मानित करा भाई सारा जिला में एक मर्द मानस पाया से भाई जो बहुत नहीं डरता नुले आ जा भाई शाबाश नुले ना जी यह बात को नहीं बोले तो बोले मेरे लिए नुम लीन तो न्यारा खड़ा होना तुम वे कदन ही खू गया रिपोर्ट लिखाण चली गई एक पड़ोस ने लेगी गई ले जाके रिपोर्ट लिखाण दा की थानेदार नु लिया उलिया की सा था नुली उलिया ने तो गई ले गया जी अरे कि मैं निशानी तो बता नू कुकर टो के लियावांगे बल्ले जी निशानी 6 फुट हाइट 6 फुट बूरा बूरा कोई वो एक्टर तो बनया कोने पर घाट नहीं था खाडा खाडा जी गुआंड में कोने उस जितना मान ने सारी खुपी लिखवा दी अरे लिखवा के बाहर लिखड़े वा पड़ोसन लिया है तने शर्म आई थोड़ी बहुत बोली के है बोली ईसा लिखवा करे बोली क्यों बुंडा तेरा था गठना तेरा था माड़ा तेरा था सारी डाल तेरा बीतिया बैठा दर तने ईसा लिखवा दिया चुप रह बोले घड़ी ना बोले बोली क्या था बोली उसकी तो रात कटेगी टोके सोना जा दी वो एक दिन वड़ बैठक में जकरा हो रहा था वो एक दिन वो राग नहीं गाण वाग रहे थे माशे जी नरेंद्र दंगी गाण गा रहा था और माशे जी हर रंग काट हो रहा था दंगी साहब ने वाल राग नहीं ठा रखी थी तेरे बेटे की जान बचा दू राम रे जा तेरा उसमें तोड़ से बोले बार रुकाई तेना हाथी दूंगा पाखा डार बछेरा बाबा एक झूफड़ी में रहा कर दी बठियारी मी आ जाते खाट बार रहा कर दी बाबा हाथी का के शर्म मारगी के करेगी कि मैं टूम दे कि मैं धन दे जब तो गुजार रहा हो पैर जो 20 पूड़ी तो बाजरे ही खा जाएगा थोड़ा राम पाई लेती हूँ खेत का नहीं जाएगी जी 2 छाबड़ी तो लीद ले जाएगी 5 पूड़ी ले आओगी मैं उन्हें हफ्ता में गंजी न बनाया देगा हर प्रोग्राम में इतने प्रोग्राम हो लिया मैंने कोई पीओड मानस नहीं टकरा किसी प्रोग्राम में भी ना कोई ऐसे बे ना कोई नू हाउ लड़ाला जमानू जनू पुलिस ने डरा रखे ऐसे बैठे हमारी मातृशक्ति भी ये भी बड़ा सहयोग दे रही ना ये बैठ जा ये बोल ले बना को नहीं रहे बस मैं एक अगली सीट पर एक पाछली पे हूँ तो भी बोल पड़ेंगे मानस और द्वार से ले जाएंगे 3 सीट वाली 3 बैठे बोल नहीं गे उड़ती ये ना डटे अगले ने कितना अंगा ला रखा हो चाहे राम तार रखा हो चाहे भागवत बात दो ये को नहीं रहे कौन ही मारे आए सोनू की वो गोलियां के में तनु कही होने का तो बेरा को नहीं ताई तो बाजी जाती ये बोल लिया बिना को वो एक बुढ़िया ने पेंशन में ली थी कई साल की घड़े रुपये दे दिए सरकार ने रुपये दे दिए 2 सारी बतलाई बोली आए तमने गोली चलाई थी फेरी के पीछे तो ठहरे चल लो गंगा जी ना आया वहा थोड़ा जट देगा टेम था वह एक बस कर ली उनने वो 50-60 बुढ़िया उसमें पैक होगी वो बस वाला भी कई दिन में आता कि मैं नींद हो रही थी कि मैं पंगा था वो उन्हें कि मैं घूट मार ली कि मैं दुम्मर सी पड़े थी उसने दीखा गाट हुआ एक नहर में कुदाई थी बस सारी बुढ़िया मर गई गांव में बेरा दे दिया गोता खोर बुला लिए गोता खोर ले आवे बुढ़िया ही पूड़ी ही काट काट के पटड़ी बजा चाह दी सारी गांव के शाणे शाणे मन सरपंच वर्गे चले गए जिनकी सासू मर रही थी वे बहू भी चली गई
सारी रोण लगी। सरपंच वर्गे समझाण लग ये क्यों रो सो, ये तो धाम पाई थी बावड़ी, ये तो तीर्थ करण आई थी, ये तो सुरग मजांगी, ये कोई सुरग ताग भी जागी। चुप हो जाओ, सारी चुप हो गई। एक ना डट रही, पूरा खखट्टा पड़ रही। सरपंच साहब ने लाए, ये सारी चुप होगी, तै क्या तो चुप कौन ही होती। तेरी सासू की मैं घड़ी सुन की थी, मर गई मराएगी, चुप हो जा। बोली सरपंच साहब मनु ना रो दी। बोले तो बोली मत नू रो, मेरा घर आए रहेगी। अपना हरियाणा में सहयोग मखोल, थोड़ा राजस्थान का लवा लगता लाए, उन्होंने दिल्ली से लवा लगता, और कितने भी असण का है ना मेरा मन सन है, शहरा में ला लो ईसा गुदड़ा हम लेके उठेंगे, उसे लेके सो जाएंगे। उन्हें ना मेरा टेंशन तो भरे रहे हैं, अपना सही है, ऐसा बोल रहे हैं, चाहे बुढ़ा हो चाहे बालक हो। वो छोरा गाना तंग कर रहा मास्टर ने, ना काम करके ले जा ना और कि मैं मास्टर ने बुझा, भाई तब पट ले तेरा जीवन सुधर जाएगा, अरे भाई मन में भलाई मिल जाएगी। भाई फलाना मास्टर तो फटिया करता, भाई मास्टर जी बहुत अच्छा आदमी था, भाई बालक की जिंदगी बनाई थी। बोले मास्टर जी मेरा ध्यान में ना आओ तो कितना यंगा ला ले। अरे बोले मैं समझ आया थी, मतलब थोड़ा अमेरिका नहीं ध्यान करेगा तो। बोलिया जी कर लूंगा ध्यान तुम्हें बताया। बोलिया देख तेन मोटे मोटे अक्षर हम समझ आए तू। बोलिया जी समझाओ। बोले मान ले मैंने 20,000 रुपये तेरे बाप ते दे दिए। अरे भाई वो 2 रुपये सैकड़ा के हिसाब से दे दिए, रो 6 महीने खातर दे दिए, तेनू बता उनका ब्याज कितना हो गया। टाइट खोर के बोले मास्टर जी के दे दिए मेरे बाप ते 20,000 रुपये दे दिए भाई, 6 महीने खातर दे दिए, 2 रुपये सैकड़े ते दे दिए। बोले मास्टर जी ब्याज ब्यूज ने तो रहन दो। बोले कह बात, बोले अपने रुपये गलत फसाए दिए। बोले मारो वो बेपे रोंदी चली जा, हूं 2 रुपये ना दे तेरी झोली भरेगा। इसे फिर वो पेपर देगा, उनके पेपर होने दो, पेपर हो लिए ईसा डब्बी उसका वो रिजल्ट आना था उस दिन। बोले भाई, बोले हाँ भाई, बोले मेरा रिजल्ट सुने ये थे। बोले तय कड़े जाएगा। बोले मैं सुन तो आड़े फिर मेरा जी ना करता, तय सुने ये। बोले देख भाई मैं बताऊ ना उस डाल बताइया कि ना कदे एकदम बता देता है। बोला कि डाल। बोले देख मैं एक पेपर में फेल हूं ना, तेनू कह दिए श्री राम, मैं समझ जाऊ। अरे भाई मैं 2 पेपर में फेल हूं तो तेनू कह दिए राधे राधे, मैं समझ जाऊ दो में। अरे भाई मैं 3 में फेल हूं तो तेनू कह दिए ब्रह्मा विष्णु महेश, कोड वर्ड बना लिए। वो 2 फारे से उसका रिजल्ट सुन के आया, और वो छायत पे खड़ा उसने मारिया रुका है कहने बोला भाई। बोले हाँ, बोले बोल साचे दरबार की। अरे मगर मक्का उठ गया देख, मैं भी ना हो गया मारे बुड्ढे। वो एक बुड्ढा गांव में जा था, नया कुर्ता नई धोती ऐसा खिंडुआ बांध बुंद के बस में बैठे, बस में बैठा गल अड्डे पे बस रुकी, उड़े देख छोरा चढ़ दिया ताऊ दो जगह थी, उड़े बैठ गया। आजकल शौकीन बालक से तो लगभग होका पीण लगे ना, तो शकरट के गुटके पुटके आगे इनके घने शौकीन, शकरट का शौकीन था सोरन बैठ दे बीड़ी ला ली, वह शकरट ला ली मार के गुटर ताऊ की लंगड़ बजाड़ दी, गट्टा हो गया ताऊ ना बोलिया। वो ताऊ का नहीं लखाया गया फेर मरी गुटर, वह फेर जाड़ दी एक जगह तो फेर फूक दी। उन्हें जाने वह ताऊ बड़ा शांत आदमी, बड़ा शरीफ आदमी, 2 जगह इसकी लंगड़ फूक दी। ताऊ कती नहीं बोलिया, नुबलिया ताऊ, नुबलिया हाँ भाई, नुबलिया कौन सा गांव है, नुबलिया उसने भी फूकेगा। थोड़ी दूर वह बस चल लिया के वो चेक कर है आगे, उन्होंने वहां रुकवा ली। 5-4 स्कूल कॉलेज के बालक थे, वो टिकट ना ले रहे थे, उतर उतर भैज गए। उड़ा वो रोला हा हो रहा, वो ताऊ भी उतरिया रोला सुन के ने। नुबलिया रे भाई क्या का रोला है, कौन है ये। वो एक जना नुबलिया ताऊ हम चेक कर हा। बोलिया के करया करो। बोले ताऊ जो टिकट ना ले रहा वो चेक करया रहा, उन्हें पकड़िया करा। अरे बोले ये के बाजे जान ला करे। बोलिया ताऊ ये वे है जो टिकट ना ले रहे। नुबलिया फेरी बस के पहिया ना पकड़ोगे, जो टिकट ना ले रहे वे बाजे गए भाई, तुम मारा किस काम के पकड़ोगे। बोले ताऊ आज गए वो कौन ही छाव। बोले छाव क्यों ना भाई पकड़ो। बोले ताऊ वो कौन ही छाव बाज गए। बोले छाव क्यों ना। वो एक बोले बोले तय पकड़ दे। बोले ये पकड़ दू समा गए लंगड़। ताऊ ने भी खड़ी खेच दी,
वादा किल्ला ताऊ जा लिया जी बेचा करूं ले आ जा ताऊ आ जाए कौन ही था मैं नूला बेटा था मैं भी कौन है टकट मैं भी ना ले रहा माशे जी राजेश थुरानिया जी एक बात बता दी आपने ये राजस्थान का नहीं गजे छोरा देखने जा आकर ने जब उसका राली तो बुझ जाकर ने उसका दिशा का घर देख क्या हूँ फिर वानों का दिशानो घर चाहे छोटो फिर पक्को घर चाहे छोटा हो जाए पक्का माजे जी छोटा वे से फिर चार रोड तो पक्का है आज दिन में कटकट उतर रहा था उड़े पांच इसे इसे लंबी गेटिया कह रहे थे सारे पाया का देख दे गए ना तो किसी तो उल्टा बोल लिया ना किसी तो लड़िया ना किसी तो डरिया सारे के बीच में गले कट गया खूब हाथ का माने रुदा भाई बात जी करना चाली बताओ भाई करी खूब हाथ ना थे कोई भी नहीं रख सकता हाँ और बहुत बढ़िया मासी जी की मेहनत है और आप तो सुनते हो देखते हो और आज भी बड़ा अच्छा कार्यक्रम था उसमें का कार्यक्रम तो वो था वो कट्टा राम का था बात तो थी ये को नहीं कोई फिर आज नुम जरा दी भाई कट्टा राम भी है कोई हाँ ठीक हो गया के नाम है ना बोले सिंगा बोले था क्या बोले उल्टा ना हटे अगर को तो भी नुम बेरा लग गया भी हाँ ठीक है तो मैं तो कई बहने बेरा के है आम तो करा है मजाक एक आधा माना सीरियस ले जा वो एक दो मारे गांव के मित्र है भाई फौजी मारे परिवार में हूँ गांव में भी है तो वो कई वो फरमाशी कर दे भाई फौजी के बारे में भी सुना दे वो एक दो वो सुना दिए ने कहा था कि इतनी देरी पड़ जा अब देश के रक्षक फलाना ढकड़ा मुकड़ा लेमन न लगवा दे मैं भी कर दूंगा रक्षा आड़ के हम बम बना आड़ के हम घुसपेटी हम भी रक्षा के लाग रहे हैं बताओ हमको दो नंबर का काम करा सारे रक्षक है सारे देश की रक्षा करा उसमें भाई ठीक से सारी ड्यूटी भाई तम करो ना हमने लगवा दे हम कर दे मारा हाथ को नहीं पाक होने के को नहीं जानते हम मजाक हम अभी शो करते नू वो नोशी वो पाक जाएंगे अपना आप भाई वैसा नहीं होना चाहिए हम तो मजाक करा भाई मनोरंजन हो जाए और बताओ कि एक आधा नू जमाए रिटायरमेंट बात सब ने मेरे फौजी रिटायरमेंट आ जाने काम का दिमाग खा जाए कि नहीं पचास गाल खुद ने देगा सौ गाल मने देगा मैं साला तू साला ये रो से किम्मे भी होते आधी उड़ाली आधी अड़ाली मने गांव की फौज बनाने हो जाए उन्होंने बरच गया फौजी वो उसकी माता बोले माता जी बोले हाँ भाई बोले मैं जरा घूम कहता कुछ चाय वगैरह बना लेना वो बुढ़िया ने चाह चढ़ा दी वो बारण से ले आगा उसने चाह चढ़ा ली वो चिन्नी पत्ती घेर दी उसने नू आएगी ध्यान में छोरा नू कहे गा चाय वगैरह बना लेना वो चाह तो बना ली वगैरह की ओ से वो बारण ने लकड़े थार पर के बैठे थे पांच चार जने वो बुढ़ी नू लिया रे भाई बोले हाथ आई बली भाई वो फौजी नू कह के कहा है माता जी चाय वगैरह बना लेना मैं चाह तो बनाऊ भाई वो वगैरह क्यों है वे भी ठल्ले गा रहे थे क्योंकि अब मत उस दो है ना उन विदाने कर दो मजाक के बोलिया ताइये बाहर रहे हैं अरे इनका पानी की लाग हो जाए बोलिया ताइये वगैरह पेशाब न का उन्होंने जानी कदे छोरा उलाना दे दिया अच्छा मात मिलन का बीमार कर दिया तगेर दिन वगैरह वो खंड आया के नलवा सा पेशल वगैरह में बनाए थे और वो फौजी है वो छाड़ दी गाल दी कटोरम खेल आ रही डाल उसने घोट भरी वो बोले माता जी बोली हाँ भाई बोले चाय तो कुछ खारी है बोली हाँ भाई खारी तो लग गई सा पेशल वगैरह में है ना